में जाएं तो आप देखिए कि वहां के जो लोग हैं वो इतने उद्गिन होते हैं कि एक आदमी को चार चार लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर रिवर्स पैटर्न शुरू होता है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक जैसे जैसे चांद ढलना शुरू हो जाता है उसकी ग्रेविटी कम होती चली जाती है तो समुद्र भी शांत हो जाता है, यहां तक कि अमावस्या वाले दिन समुद्र में कोई हलचल ही नहीं होती, एक सुई भी डालो तो पता चलती है, और उसी दिन ही मानसिक रोगालय में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो आदमी चार आदमी जिसको नहीं संभाल रहे थे वो तो उठ ही नहीं पड़ा, बिस्तर से पड़ा है लसपस, उसे तो उठा ही नहीं जाता। तो चंद्रमा से अगर संबंध नहीं है, पानी का संबंध नहीं है, चंद्रमा को हम दूध चावल चांदी पानी विद्या और माता से संबंधित करते हैं। ज्योतिष में यह कहा गया है कि मनुष्य का जीवन जो है हर चीज उसमें, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके खाने का सामान हो, चाहे आपके रहने का घर हो, हर चीज किसी ना किसी ग्रह से संबंधित है। अगर वो अच्छा बुरा है तो उसी हिसाब से उसका असर आपको मिलेंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल है ज्योतिष का। तो चंद्रमा की ये बात जो है किसी ने आज तक डिनाई नहीं की। इस तरीके से मैं ये सिद्ध कर पाया हूं कि ग्रहों का असर मनुष्य पे होता है। जब सूर्य बढ़ता है दिन में तपिश होती है तो सर्दी में भी दोपहर में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो सवेरे से ही आपको गर्मी लगती है। क्यों होती है? कि उस वक्त सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है, अगर वो असर नहीं देता तो फिर मनुष्य पे कैसे कैसे हम मान लें कि उसका असर नहीं है। ये तो साक्षात छोटे से लेकर बड़ा तक, गरीब से अमीर तक, सबको दिखता है। इसी तरीके से शुक्र है, इसी तरीके से मंगल है। बहुत सारे लोग मंगल की बात करते हैं, मंगल युद्ध का देवता है, मंगल आपके हाथ हैं, मंगल आपके हाथ हैं, मंगल आपके शरीर में रक्त है, मंगल रिश्तों में आपका भाई है, मंगल खाने में मीठा है, मंगल का रंग लाल है। ज्योतिष का एक फंडामेंटल है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि 18 सिद्धांत है, जिस भी ग्रह को बल देना हो उसकी चीजों को बांटिए, दान करिए, और जिस ग्रह को कमजोर करना हो उसकी चीजें खाइए पिए। जैसे शनि आपको दुख दे रहा है, आप देखेंगे कि जो भी लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या उसमें अत्याधिक लिप्त हैं, उनका शनि हमेशा कमजोर होगा, उनमें तर्क शक्ति नहीं होगी। और अगर आपके शरीर का रक्त ही खराब हो गया तो आपको कौन कौन सी बीमारियां नहीं घेरेंगी। आदमी का ब्लड प्रेशर तभी बढ़ेगा अगर चंद्र के साथ मंगल होगा, तो आदमी को कैंसर तब होगा, शनि और मंगल जो है उसका डिस्प्यूट होगा। इस तरीके से ये सब चलता है। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें आज हमने ज्योतिष के बारे में जानी है, और साथ ही साथ दर्शकों अभी तो ये शुरुआत है, ना जाने कितनी और भ्रांतियों को दूर करना है, साथ ही साथ ज्योतिष के मूल रूप को आप सभी को बताना है। और एक बात और आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप वास्तविक तौर से जानना चाहते हैं कि कैसे ज्योतिष आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है, कैसे आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं की निवृत्ति हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आप समाधान की तरफ भागते जाएंगे, आप को आवश्यकता है स्वयं सिद्ध पुस्तक की। अगर आप इस पुस्तक को मंगवा लेते हैं तो ज्योतिष क्या कहता है, क्या है ज्योतिष की परिभाषा, एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से हमारी समस्याओं को दूर करने के तमाम तरह के रास्ते उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान आपको इस पुस्तक के माध्यम से मिल सकता है। घर बैठे बिठाए आप इसको मंगवा सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए नंबर आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए और अभी के अभी इसे घर बैठे बिठाए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल आप सभी के जहन में उठ रहा है तो इसके लिए देर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आप तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए, कपानी जी से मिलने आइए और जानिए कि आपको जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर भी हो जाएं और आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत भी कर पाए। फिलहाल दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह कपानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी, नमस्कार। आप बताइए आप।